इकलौती बच्ची फूड ब्लॉगर है और आप देख रहे हैं क्रेजी आनिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ कनॉट प्लेस में कॉफी होम पे, जो कि बिल्कुल सामने है हनुमान मंदिर के। चलो अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, बट जैसे कि लंच टाइम चल रहा था, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं तो कभी इतने सारे लोग एक फूड कोर्ट में कभी नहीं देखे। और यहाँ पे आपको हर एज के लोग मिलेंगे, मेरे से लेके दादू तक एज के सारे लोग मिलेंगे, बच्चे से बूढ़े तक। मतलब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हर तरीके की कुजीन मिल जाएगी, खाने भी मिलेंगे। साउथ फ्रेंड्स हमने ऑर्डर किया है हाँ, और वड़ा और इडली। वैसे वड़ा और इडली के अलग अलग प्लेट होते हैं, बट हमने रिक्वेस्ट किया कि हम फूड एक्सप्लोर कर लें प्लीज, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो दे दिया। और कॉफ़ी होम है, जो कॉफ़ी होम की आइटम जो कॉफ़ी सबसे बेस्ट होने वाली है। चलो ट्राई करते हैं इनका खाना। देखो कॉफ़ी होम है, तो कॉफ़ी होम में यहाँ की स्पेशलिटी मेरे ख्याल से तो कॉफ़ी होनी चाहिए। और हमने मंगाई है एक कैपुचिनो, तो चलो उसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉफ़ी है ना, ये कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग है और तो और शुगर भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर शुगर भी मतलब बैलेंस है और कॉफ़ी भी बैलेंस है, तो इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ज़्यादातर हम जब कॉफ़ी पीते तो कहीं कैफे वगैरह में जाकर, तो उसमें ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादा कॉफ़ी, बट इसके अंदर दोनों है, तो पैसा पूरा वसूल हो चुका है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी। और फ्रेंड्स, कॉफ़ी तो मैंने पी ली, तो आप कुछ खाने का ट्राई करते हैं, फिर भूख लगी है, तो इनकी इडली टेस्ट करते हैं, क्योंकि इडली तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और फ्रेंड्स, ये तो तोड़ने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हम जब टेस्ट करके देखते हैं। खाने में भी सॉफ्ट है और जिनके दांत में लिए तो काफ़ी सॉफ्ट है। और जो इसकी चटनी है, इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च है, वैसे तो जनरली मिर्च नहीं होती है, बट इसके अंदर मिर्च है थोड़ी सी, पर इसके अंदर उसका कोकोनट का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और इसके अंदर जो लाइट का छोंक लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा ट्राई करते हैं। और बड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और क्रिस्पी भी बहुत है, और इसके अंदर तो फ्रेंड्स हरी मिर्च भी आ रही है। हरी मिर्च तो ऑब्वियस भी आपको पता ही है, मैं नहीं खाऊंगी, तो चलो पहले हरी मिर्च छांट देते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं ऐसे। फ्रेंड्स, चलो उसे टेस्ट करते हैं हरी मिर्च छांट के। भी ऐसा ही उपमा बनने वाला है फ्रेंड्स, पर आते चलो टेस्ट करते हैं।
इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट है और उसके साथ में क्रंची इसकी जो वेजिटेबल है उसका टेस्ट जो आ रहा है वो तो एकदम मस्त। मैंने प्लेन उपमा तो टेस्ट कर लिया, जो आप इसका चटनी के साथ भी टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा होगा। अब मेरे को इतनी अच्छी लगी यहाँ की कॉफ़ी तो मैंने और मंगा ली, जिसके आप देख सकते हो कि लाइट चेंज हो गई है और जैसे कि आप देख सकते हो चार कॉफ़ी हैं, एक मेरी और एक मेरी पूरी टीम की। तो मतलब मैं आपको बताऊँ तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे बाहर भी सेटिंग है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट है पूरा। अगर आपको अंदर नहीं खाना तो आप यहाँ बाहर भी आ सकते हो, बाहर भी अच्छे से सेटिंग बनी हुई है। तो हम कॉफ़ी लेके आ चुके हैं, तो चलो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर बहुत सारे अंकल्स बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं। और अगर आपको अपनी फैमिली के साथ आना है या फ्रेंड्स के साथ आना है तो ये बेस्ट प्लेस है आने के लिए। यहाँ पे आपके लिए खाना भी है, कॉफ़ी भी है, तो मतलब आपको यहाँ पे अगर भूख लगे तो आप वो भी खा पी भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और ये फैमिली अप्रोप्रिएट प्लेस है, तो आप भी ज़रूर आना यहाँ पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी यहाँ पे आना। फ्रेंड्स चलो आपको यहाँ की टाइमिंग बता देती हूँ, ये सुबह 11 बजे से 8 बजे तक है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे साल में 5 बार छुट्टी रहती है, जो कि है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर और होली और दिवाली। इस मीठी और अच्छी कॉफी के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। शॉर्ट कट ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। और फ्रेंड्स हाँ, अब पता है मैं ढंग से बोल पा रही हूँ धीरे धीरे, और ना उधर तो मेरे को चीख के बोलना पता है। और पता है 4 किलो वाला समोसा था, यकीन नहीं होता तो 10 दिन बाद देख लेना 4 किलो वाला था। और पता नहीं बहुत खाया था और उसके बाद खाई 4